हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और उसका नाम है एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि दुनिया में किस प्रकार से एग्रीकल्चर किया जाता है और उसके किस तरह के फायदे और नुकसान है। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। गुरप्रीत, माधव और टीना जो है एक विलेज से गुजर रहे। विलेज से गुजरते समय उन्होंने एक फार्मर को अपने हल को जोतते हुए देखा। इसी के साथ में किसान ने उनको बताया कि वह बीज लगा रहा है और सोयल को और अधिक फर्टाइल बनाने के लिए इसमें उसने मैन्योर को डाल दिया है। उसने उन बच्चों को बताया कि जो वीट मुझे इस फसल को तैयार करने के बाद में मिलेगा, इससे मुझे मार्केट से बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। इसे फैक्ट्री में ले जाया जाएगा और इसके बाद में इससे ब्रेड, बिस्किट आदि चीजें बनाई जा सकेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक प्लांट से फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में, इसमें तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल हैं। इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज कहा जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती हैं जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट और उससे जुड़ा हुआ प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग ये इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज वो होती है जहाँ पे इन रिसोर्सेज को हमने प्राप्त करने के बाद में इनसे जुड़ी हुई जो प्रोसेसिंग है वो हम लोग करते हैं, जिसमें स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, बेकिंग, ब्रेड और कपड़े का वीविंग आदि सारी एक्टिविटीज आती है। टर्शरी एक्टिविटीज वो होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज वाले जितने भी सेक्टर्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमने यहाँ पे तीन तरह की एक्टिविटीज देखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी जितनी भी एक्टिविटीज है वो प्राइमरी है। उसके बाद में रिसोर्सेज के साथ में जो प्रोसेसिंग होती है वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। और इन दोनों एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम होता है उसे हम लोग टर्शरी एक्टिविटीज कहते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग ये सारे आ जाते हैं। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसके अंदर क्रॉप्स को उगाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और जानवरों को पालना ये सब चीजें आती है। इस दुनिया की 50% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बिजी है। इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे पूरी तरह से डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है सोइल और क्लाइमेट की टोपोग्राफी। इसका मतलब खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर के लिए सोइल और क्लाइमेट जो है वो खेती के अनुसार, एग्रीकल्चर के अनुसार होनी चाहिए। जिस लैंड पे हम लोग क्रॉप्स लगाने वाले हैं वो एरेबल लैंड कहलाती है। आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो उसी एरिया में होती है जहाँ पे क्रॉप्स को लगाने के लिए सुटेबल फैक्टर्स होते हैं। अन्यथा अन्य जगह पे जहाँ पे सुटेबल फैक्टर्स नहीं है वहां पे क्रॉप्स नहीं उगाई जाती हैं। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर या फार्मिंग है उसको एक सिस्टम के रूप में हम लोग देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं हमारे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और लेबर, और इनमें कुछ ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व रहते हैं जैसे प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग और हार्वेस्टिंग। इनसे हमें आउटपुट मिलता है जिसमें क्रॉप्स, वूल, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम लोग एक जो फार्मर होता है उसकी फैमिली को जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ट्रेडिशनली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम होता है। घर के अधिकतम लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं और आउटपुट जो है वो भी कम होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है उसमें छोटे से लैंड के प्लॉट पे फार्मर कल्टीवेशन करता है, सिंपल टूल्स का काम वो लेता है और लेबर जो है वहां पे ज्यादा होती है। यहाँ की क्लाइमेट, सनशाइन और फर्टाइल सोइल इतनी सपोर्टिव रहती है कि वो एनुअली उन्हें एक फसल से ज्यादा फसल देती है। राइस जो है यहाँ की मेन क्रॉप है और अन्य जो क्रॉप्स हैं उनमें वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया के जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जो कि मानसून रीजन्स जैसे साउथ के
या साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के हैं वहां पे हमें देखने को मिलती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमेडिक हर्डिंग दोनों आते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसे आप लोग देख सकते हैं कि अमेजिन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कुछ पार्ट्स में काम में लिया जाता है। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है और वेजिटेशन बहुत जल्दी उगती है। यहाँ पे एक लैंड के प्लॉट को क्लियर किया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है, और यहाँ पे जो बचे हुए पेड़ या जलाए हुए जो पेड़ हैं उनकी एसेज है उसको सोइल के साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद में क्रॉप्स जैसे कि मेज, गेम, पोटेटो और कसावा जो है वो लगाई जाती है। और जैसे ही यहाँ की सोइल जो है अपनी फर्टिलिटी को खो देती है तो जमीन को किसान जो है वो छोड़ के चला जाता है और एक नए प्लॉट पे वो शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो घास फूस या पेड़ पौधे हैं उन्हें जला दिया जाता है और उसके बाद में हम लोग खेती करते हैं। नोमेडिक हर्डिंग है वो यहाँ पे सेमी एरिड और एरिड रीजन है, सहारा के, सेंट्रल एशिया के और इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर वहां पे देखने को मिलती है। इस प्रकार की जो फार्मिंग है उसमें हर्ड्समैन जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ में घूमते रहते हैं। जैसे ही एक जगह पे चारा और पानी खत्म हो जाता है तो वो अलग अलग प्रकार के रूट्स रहते हैं जो पिक्स होते हैं वहां पे वो ट्रेवल करते रहते हैं। इस प्रकार का मूवमेंट जो है वो उनका क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स और टेरेन को देखते हुए होता है। शीप, कैमल, याक, गोट्स यहाँ पे अधिकतम रियर किए जाते हैं, पाले जाते हैं। ये उन्हें मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स और अन्य प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर्डर्स और उनकी फैमिली को प्रोवाइड करवाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्रॉप्स लगाई जाती है और एनिमल्स पाले जाते हैं ताकि उन्हें मार्केट में सेल किया जा सके। इसमें एरिया जो है जिसमें कल्टीवेशन होती है वहां पे बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है और एरिया भी काफी बड़ा होता है। यहाँ का जो अधिकतम काम होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग है उसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर आते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर क्रॉप जो है वो कमर्शियल पर्पज के लिए लगाई जाती है। बीट और मेज जो है यहाँ पे मुख्यतः लगाई जाने वाली कमर्शियल ग्रेन्स हैं। मेजर एरिया जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप और एशिया के हैं। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है और हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स की जो जमीन है वो किसानों के लिए अवेलेबल रहती है। सीवियर विंटर्स जो होती है तो यहाँ पे कोई खेती नहीं की जाती है, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही फसल जो है वो लगाई जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर लैंड जो है उसे काम में लिया जाता है फसल के लिए और साथ ही साथ फोडर क्रॉप्स के लिए ताकि जो जानवर पाले जाते हैं उनका भी गुजारा चल सके। इसे यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में अपनाया जाता है। प्लांटेशंस एक प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे सिंगल क्रॉप चाहे तो टी, कॉफी, सुगर कैन, केशू, रबर, बनाना, कॉटन इन्हें लगाया जाता है। काफी मात्रा में लेबर और कैपिटल की यहाँ आवश्यकता होती है। प्रोड्यूस जो है उसे फार्म पे भी प्रोसेस किया जा सकता है या आसपास में जो कोई फैक्ट्री होती है वहां पे इसकी प्रोसेसिंग हो सकती है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसकी बहुत अधिक आवश्यकता इस फार्मिंग में होती है। मेजर प्लांटेशंस अगर यहाँ पे बात करें इस प्रकार के तो वो ट्रॉपिकल रीजन जो है दुनिया के वहां पे है। मलेशिया में रबर, ब्राजील में कॉफी, इंडिया और श्रीलंका में टी प्लांटेशंस इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मेजर क्रॉप्स मुख्य तो जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं वो हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होती है। क्रॉप्स जो है हमें रॉ मटेरियल भी अवेलेबल कराती हैं ताकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो आसानी से चल सके। मेजर फूड क्रॉप्स हैं वो हमारी बीट, राइस, मेज और मिलेट्स हैं। जूट और कॉटन जो है वो फाइबर क्रॉप्स हैं और इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप जो है
वो टी और कॉफी है। राइस एक मेजर फूड क्रॉप इस दुनिया की है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया जो है वहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट है। राइस को हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की आवश्यकता होती है। इसे लगाने के लिए सबसे बेस्ट एल्यूवियल क्ले सॉइल होती है जो पानी को बहुत अधिक रिटेन या होल्ड कर सकती है। इस तरह की प्रोडक्शन में चाइना जो है वो लीड करता है और चाइना के बाद में इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट है। अगर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जैसे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तो वहाँ पे एक ही ईयर के अंदर 2 से 3 क्रॉप जो है वो उगाई जा सकती है। वीट वीट को ग्रो करते समय मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की आवश्यकता होती है और हार्वेस्ट के समय इसे ब्राइट सनशाइन की आवश्यकता होती है और वेल ड्रेन्ड लूमी सोइल जो होती है उसमें ये बहुत अधिक अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। वीट को अगर काफी मात्रा में देखा जाए तो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में लगाया जाता है। इंडिया में इसे विंटर में लगाया जाता है। मिलेट्स मिलेट्स जो है उन्हें कोरस ग्रेन्स कहते हैं। कोरस का मतलब मोटे अनाज जो होते हैं और उन्हें लेस फर्टाइल और सैंडी सोइल्स में लगाया जाता है। ये एक हार्डी क्रॉप है जिसे कम रेनफॉल और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर और एडिक्वेट रेनफॉल में भी लगाया जा सकता है। ज्वार, बाजरा, रागी इंडिया में ग्रो किए जाते हैं और अन्य कंट्रीज जहाँ पे ये लगाए जाते हैं वो है नाइजीरिया, चाइना और नाइजर। मेज मेज को मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल और काफी मात्रा में सनशाइन की आवश्यकता होती है। इसे वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल की आवश्यकता होती है। मेज मुख्यतः नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में लगाई जाती है। कॉटन कॉटन जो है उसे हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन जो है वो चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। अगर ये नहीं मिलते हैं तो इसकी फसल खराब हो जाती है। इसे लगाने के लिए ब्लैक और एलिवन सोयल जो है वो बेस्ट होती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट जो है वो कॉटन के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। कॉटन जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे मुख्य रॉ मटेरियल है। जूट जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता था। यह एलिवन सोयल और हाई टेम्परेचर वाले एरिया जहाँ पे हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट होती है वहां पे ग्रो करती है। इस क्रॉप को ट्रॉपिकल एरियाज में लगाया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो जूट के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। कॉफी कॉफी को वार्म और वेट क्लाइमेट और इसी के साथ साथ में वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल जो है वहां पे लगाया जाता है। हिल स्लोप्स जो है वो इस क्रॉप के लिए काफी सुटेबल होते हैं। ब्राजील कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर है और उसके बाद में कोलंबिया और इंडिया का नंबर आता है। टी टी एक बेवरेज क्रॉप है जिसे प्लांटेशंस में लगाया जाता है। इसके लिए कूल क्लाइमेट और इसी के साथ साथ में हाई रेनफॉल जो है वो पूरे साल में चाहिए होती है ताकि इसकी जो टेंडर लीव्स है वो आसानी से ग्रो कर सके। इसे वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल और जेंटल स्लोप्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पे लीव्स को पिक करने के लिए काफी मात्रा में लेबर की आवश्यकता होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका जो है वो दुनिया में बेस्ट क्वालिटी टी को प्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से मतलब है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो फार्म की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए जो है ताकि हमारी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को हम लोग पूरा कर सकें। इसे कई प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं जैसे क्रॉप्ड एरिया को बढ़ा के, नंबर ऑफ क्रॉप जो हम लोग लगाते हैं उसे बढ़ा के, इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ा के, फर्टिलाइजर्स को बढ़ाकर और सीड्स की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा के। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए मैकेनाइजेशन जो है वो भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। अधिकतम अगर मशीनों का यूज होगा तो नो डाउट हमें क्रॉप जो है अधिक मात्रा में और अच्छी मिलेगी। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का अल्टीमेट एम जो है वो हमारा यही है कि हमारा फूड सिक्योरिटी जो है वो बढ़ सके। एग्रीकल्चर जो है वो अलग अलग दुनिया के हिस्सों में अलग अलग प्रकार से बढ़ रही है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो काफी मात्रा में पॉपुलेशन रखते हैं इसलिए उनके यहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है जहाँ पे क्रॉप जो है
छोटे छोटे होल्डिंग्स पे लगाई जाती है अधिकतम सब्सिस्टेंस, और लार्जर होल्डिंग्स जो है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं, जैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे दो केसेस के द्वारा हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दोनों में क्या अंतर है, एक केस इंडिया से है और दूसरा केस जो है वो यूएसए से है। इससे हम लोग जान पाएंगे कि किस प्रकार से डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर जो है वो काफी अलग है। इंडिया के अंदर एक फार्म, इंडिया के अंदर एक छोटा सा विलेज है आदिलाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे एक छोटा फार्मर है मुन्ना लाल, उसका एक छोटा सा फार्म है लगभग 1.5 हेक्टेयर का। यहाँ पे वो खेती बाड़ी करता है, उसका घर मुख्य गांव में है और वो सीड्स जो है वो परचेज करता है हर दूसरी साल, और उसकी लैंड फर्टाइल है और वो एक साल में दो फसलें लगाता है जिनमें साधारणतः वीट, राइस या पल्सेज होती है। फार्मर जो है वो अपने फ्रेंड्स, एल्डर्स और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उन सब लोगों की राय अपनी फार्मिंग के लिए लेता रहता है। वो किराए पे ट्रैक्टर भी लेता है ताकि अपने खेत में प्लोइंग करवा सके, और उसी के साथ साथ में ट्रेडिशनल मेथड का भी वो प्रयोग करता है, जहाँ पे ब्लॉक्स जो है प्लोइंग के लिए काम में लिए जाते हैं, और वहां पे एक ट्यूबवेल भी है जिसे वो किराए पे अपने खेत को इरिगेट करने के लिए ले लेता है। मुन्ना लाल के पास दो बफेलोज हैं और कुछ हेंस भी हैं। वो इनका मिल्क जो है वो कोऑपरेटिव स्टोर जो कि इसके पास में है वहां बेच देता है। वह कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उसे उसके जानवरों के लिए किस प्रकार का चारा होना चाहिए और उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस प्रकार से होता है, इन सब चीजों की एडवाइज देती है। उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उसके हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसे लोन लेना पड़ता है ताकि वो अच्छे क्वालिटी के सीड्स और इम्प्लीमेंट्स को खरीद सके। वह अपनी प्रोड्यूस को आसपास में जो मंडी होती है उसे बेच देता है, और अधिकतम जो फार्मर्स होते हैं उनके पास में बड़े स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए उनकी मजबूरी होती है कि मार्केट उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है तब भी उन्हें अपने फसल को बेचना होता है। अभी इन दिनों की हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्टेप्स ले लिए हैं ताकि स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप किया जा सके। अब एक फार्म देखते हैं यूएसए में। यूएसए में जो एवरेज फार्म होता है वो इंडियन फार्म से बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे टिपिकल फार्म जो होते हैं वो लगभग 250 हेक्टेयर के होते हैं, और फार्मर्स जो है वो अपने खेत के अंदर ही रहते हैं। उनमें से मुख्य जो क्रॉप लगाई जाती है वो कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट होती है। जो होरेन जो है वो एक यूएस का फार्मर है जो कि लगभग 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो उसका मालिक है। वो अपने खेत में कॉर्न जो है उसे लगाता है और वहाँ की सोयल और वाटर जो है उसको वो चेक करवा लेता है कि इसमें कॉर्न को लगाने के लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं, और काफी मात्रा में वो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाता है। समय समय पे वो सोइल सैंपल्स को लेबोरेटरी में भेजता है ताकि उसके पास न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है या नहीं वो जान सके। वास्तव में हम लोग बात करें तो कह सकते हैं जो होरेन जो है वो साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम को फॉलो करता है, जहाँ पे समय समय पे साइंस की हेल्प लेके वो अपनी फसल को ग्रो करता है। उसका कंप्यूटर जो है वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ रहता है जो कि उसकी फील्ड की पूरी पिक्चर उसे दिखा देता है। इससे उसे हेल्प मिल जाती है कि कहाँ पे उसे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता है। वो ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग करता है अपनी खेती बाड़ी करने के लिए। जितने भी ग्रेन्स हैं वो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में इकट्ठे किए जाते हैं या फिर उन्हें डायरेक्ट मार्केट एजेंसीज में डिस्पेच कर दिया जाता है। यूएसए के जो फार्मर्स हैं वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, और इंडिया के जो किसान होते हैं उनकी तरह वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।